वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बच्चों हम नए पाठ को शुरू करने वाले हैं और हमारे पाठ का नाम है रहीम के दोहे। जैसा कि आपको सभी जानते होंगे बेटा रहीम जी को, तो इसमें हमें रहीम जी के दोहे हैं, उन दोहों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका सार पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पाठ के लेखक कौन है। जैसे कि हमने पता है रहीम के दोहे, तो पाठ के लेखक भी कौन है, रहीम जी ही हैं, क्योंकि जिसके दोहे हैं उन्होंने ही तो लिखा है। तो इसमें है पाठ के लेखक कौन है, रहीम जी। और चलिए बच्चों पहले हम इसका सार पढ़ेंगे और फिर हम इसके दोहों को पढ़ के अच्छे से समझेंगे। रहीम के दोहे हमें कई तरह की नैतिक शिक्षा और जीवन का गहरा ज्ञान देते हैं। जो रहीम जी के जो दोहे हैं उनसे हमें शिक्षा भी मिलती है और हमें जीवन का कुछ ज्ञान भी प्राप्त होता है। पाठ में दिए गए दोहों में सच्चे मित्र, सच्चे प्रेम, परोपकार, मनुष्य की सहन शक्ति आदि के बारे में बहुत ही सरल और मनोहर ढंग से बताया है। यानी कि जो हमारे आगे हम दोहे पढ़ेंगे, जो हमें पाठ में दोहे दिए गए हैं, उनमें हमें सच्चे मित्र, सच्चे प्रेम, परोपकार और जो मनुष्य की सहन शक्ति होती है आदि सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही सरल और मनोहर ढंग से बताया गया है, जो हम आगे पाठ में पढ़ने वाले हैं। पहले दोहे में, सबसे जो पहला दोहा है उसमें रहीम जी ने सच्चे मित्र के बारे में ज्ञान दिया है, यानी कि हमें सच्चे मित्र के बारे में बताया है। दूसरे दोहे में मछली का उदाहरण द्वारा सच्चे प्रेम को दर्शाया, यानी कि दूसरे दोहे में मछली का उदाहरण देकर सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। तीसरे दोहे में रहीम परोपकार के महत्व की बात करते हैं, यानी कि तीसरे दोहे में परोपकार के बारे में बताया है कि परोपकार का क्या महत्व है। और उन्होंने वृक्ष और सरोवर के माध्यम से, यानी कि पेड़ और तालाब के माध्यम से बताया है। चौथे दोहे में रहीम ने निर्धन होने के बाद, यानी कि बिना धन के गरीब होने के बाद, अपने पुराने संपन्न दिनों को याद करने का कोई मोल न होने के बारे में बादलों के उदाहरण से समझाया है। यानी कि बादलों का उदाहरण देकर हमें अपने निर्धन होने के बारे में बताया है। पांचवा है और अंतिम दोहे में रहीम जी ने सहनशीलता के बारे में धरती के माध्यम से समझाया है, यानी कि धरती कितनी सहनशीलता होती है। धरती हर तरह के मौसम को, बाढ़, बारिश, सूखा, कुछ भी आए, सभी चीज़ों को सहन करती है। तो धरती के माध्यम से, यानी कि धरती का उदाहरण देकर हमें सहनशीलता के बारे में बताया है। जैसे कि आप सभी को पता है पहले दोहे में सच्चे मित्र के बारे में, दूसरे दोहे में सच्चे प्रेम के बारे में, तीसरे दोहे में परोपकार के बारे में, चौथे दोहे में निर्धनता के बारे में और पांचवें दोहे में सहन शक्ति के बारे में हमें बताया है। चलिए बच्चों हम इन दोहों को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहला दोहा है हमारा, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुत रीति, बिपती कसोटी जे कसे सोई साचे मीत। देखो बच्चों एक बार फिर से हम पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुई रीति, बिपती कसोटी जे कसे सोई साचे मीत। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं हमारे सगे संबंधी तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं, यानी कि जो हमारे सगे हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, वो हमारी किसी संपत्ति की तरह होते हैं जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं। यानी कि जो हमारी संपत्ति होती है वो भी तो बहुत मेहनत के बाद ही बनती है ना। तो ऐसे जो हमारे जो रीति, जो हमारे ये सगे संपत्ति, जो रिश्तेदार बनते हैं, वो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं। परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता करे, आपके काम आए, वही आपका सच्चा मित्र होता है। विपदी कसोटी जे कसे, यानी कि जब कोई मुसीबत आती है, जो व्यक्ति आपकी मुसीबत में सहायता करता है, सोई साचे मित, वही आपका सच्चा मित्र होता है।
नित का मतलब होता है मित्र, साचे का मतलब होता है सच्चा, तो वही आपका सच्चा मित्र होता है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि जो हमारे ये सगे संबंधी है, जो हमारे रिश्तेदार है, वो हमारी एक संपत्ति, हमारे धन दौलत की तरह है होते हैं। ये हमारे बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मुसीबत में हमारी सहायता करता है, मुसीबत में हमारे काम आता है, हमारी मदद करता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ये था हमारा दोहा नंबर एक। अब चलते हैं बच्चों दोहे नंबर दो पर। जाल परे जल जात बही, जति मीनन को मोहो, रहीमन मछरी नीर को तौने छाड़ती छोहो। एक बार फिर से पढ़ेंगे। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोहो, रहीमन मछरी नीर को तौने छाड़ती छोहो। देखो बच्चों, इस दोहे में रहीम जी ने सच्चे प्रेम के बारे में हमें बताया है, जैसे हम ऊपर सार में भी पढ़ चुके हैं, सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है, जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है, जब हम नदी में मछली पकड़ने जाते हैं तो हम नदी में अपना जाल डालते हैं, जाल में मछली फंस जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस जाल को बाहर निकाल लेते हैं। अब जैसे जाल में सिर्फ मछली रह जाती है और पानी तो सारा नीचे निकल जाता है, तो जब मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो जल उसी समय बाहर निकल जाता है, यानी कि जो पानी है वो जाल से तभी बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता। अगर उसे मछली से प्रेम होता तो वो भी मछली के साथ तभी बाहर आ जाता, लेकिन जल तो उसी समय वहीं पर रह गया और मछली बाहर निकल गई, क्योंकि उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता है। मगर मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती और उसी के वियोग में प्राण त्याग देती है। जैसे कि आप सभी को पता है ना, मछली पानी के बाहर आके जीवित नहीं रह सकती, पानी के बाहर जी नहीं सकती, तो इसलिए इसमें मछली को सच्चा प्रेमी कहा है, क्योंकि पानी तो मछली को छोड़ देता है लेकिन मछली पानी के उस प्रेम को भूल नहीं पाती है, उस पानी से दूर नहीं हो पाती है और वो उस पानी के बिना मर जाती है। तो इसमें सच्चा प्रेमी कौन है, मछली है। तो हमें मछली के द्वारा सच्चे प्रेम के बारे में बताया गया है। अगर हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे मछली है वो पानी से सच्चा प्रेम करती है और पानी को भूल नहीं पाती और उसी की याद में, उसी के वियोग में प्राण त्याग देती है और उसी की याद में मर जाती है। ये था हमारा दोहा नंबर दो। अब चलेंगे दोहा नंबर तीन पर। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिहई न पात, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। एक बार फिर से पढ़ेंगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिहई न पात, कही रहीम पर जात हित, संपत्ति सची सुजान। देखो, इस दोहे में हमें रहीम दास जी कहते हैं, रहीम जी ने हमें बताया है कि जिस प्रकार, तरुवर का क्या मतलब होता है, पेड़, जिस प्रकार पेड़ फल नहीं खाता, फल नहीं खाता यानी कि जिस प्रकार पेड़ पर फल लगते हैं लेकिन वो अपने फल को खुद नहीं खाता। सरोवर का मतलब होता है बच्चों तालाब, नदी तालाब। पिहई न पान, पान का मतलब इसमें बताया गया है पानी, और पिहई का मतलब होता है पीना। और जैसे ही नदी और तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते हैं, ठीक उसी प्रकार कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपनी सचित धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते हैं, वे उस धन से दूसरों का भला करते हैं। यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों का भला करने वाले होते हैं, जो वो अच्छी व्यक्ति होते हैं, तो वो अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वो दूसरों का भला भी करते हैं। जैसे कि पेड़ फल को देकर दूसरों का भला करता है, नदी और तालाब पानी को देकर दूसरों की प्यास बुझाती है, उसी प्रकार जो सज्जन और अच्छे लोग होते हैं, सज्जन और अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो भी अपनी संपत्ति का प्रयोग अपने लिए नहीं करते, वो दूसरों का भला करते हैं।
ये था हमारा दोहा नंबर 3। अब चलेंगे बच्चों दोहा नंबर 4 पर। थोथे बादर कवार के जो रहीम घेरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछीली बात। एक बार फिर से पढ़ेंगे। थोथे बादर कवार के जो रहीम घेरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछीली बात। देखो बच्चों, इस दोहे में रहीम जी ने बताया है, रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। बादल का मतलब है इसमें बादल गरजते हैं और बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति, यानी कि जो अमीर व्यक्ति है वो कंगाल होने के बाद अपनी पिछली समय की बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। देखो बच्चों, जैसे कि बारिश और सर्दी के बीच के समय में जो बादल है वो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, तो उसी प्रकार जो अमीर व्यक्ति है, जब वो गरीब बन जाता है, जब वो कंगाल हो जाता है, तो उसके बाद भी वो अपनी अमीरी की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, और जिसका कोई मूल्य नहीं होता, जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता। ये था हमारा दोहा नंबर 4। अब चलते हैं बच्चों दोहे नंबर 5 पर। धरती की सी रीत है सीत दाम ओह में, जैसी परे सो सही रहे तयो रहीम हय देहे। एक बार फिर से पढ़ेंगे। धरती की सी रीत है सीत धाम ओह में, जैसी परी सो सही रहे तयो रहीम हय देहे। देखो बच्चों, इस दोहे में रहीम दास जी ने मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताया है कि वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की जो सहनशीलता वो बिल्कुल धरती के समान है, बिल्कुल धरती के जैसी है। जिस तरह जो धरती है वो सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी मौसमों को झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी मनुष्य के जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन कर लेता है। जैसे कि धरती पर कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, तो इन सभी मुसीबतों को झेल सकती है, सहन कर सकती है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी, सुख दुख आता रहता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, तो मनुष्य भी धरती की तरह सभी सुख दुखों को सहन कर लेता है। ये था हमारा दोहा नंबर 5। एक बार बच्चों हम इन पांचों दोहों को फिर से पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि पहले दोहे में रहीम जी ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है, दूसरे दोहे में सच्चे प्रेम के बारे में बताया है, तीसरे दोहे में परोपकार के बारे में बताया है, पांचवें दोहे में निर्धनता के बारे में बताया है, चौथे दोहे में और पांचवें दोहे में सहनशीलता के बारे में बताया है। तो हमारा पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुई रीति, बिपती कसोटी जे कसे सोई साचे मीत। देखो इस दोहे में कवि रहीम जी कहते हैं कि हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो किसी संपत्ति की ही तरह होते हैं। जैसे कि जो हमारी संपत्ति है, तो धन दौलत है, वो हमें बहुत मेहनत परिश्रमों के बाद मिलती है, जो ऐसे ही हमारे सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो भी हमें बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद मिलते हैं। परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में हमारी सहायता करता है, मुसीबत में हमारे काम आता है, मुसीबत में हमारी मदद करता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दोहा नंबर 2 है बच्चों, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोहो, रहीमन मछली नीर को तवने छाड़ती छो। देखो इस दोहे में रहीम दास जी ने सच्चे
सच्चे प्रेम के बारे में बताया है, जैसे हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, किसके बारे में बताया है, सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर उसको बाहर निकाला जाता है, जब हम नदी में मछली पकड़ने जाते हैं और अपने जाल को नदी में डालते हैं, तो उस समय क्या होता है बच्चों, जो मछली है वो तो जाल में आ जाती है और जो पानी है वो जाल से बाहर निकल जाता है। तो जल है जो वो उसी समय बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो मछली से प्रेम नहीं करता है, मगर मछली पानी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, वो पानी के बिना रह नहीं पाती, और जैसे आप उसे पानी से बाहर निकालोगे वो मर जाएगी। तो इसमें मछली के सच्चे प्रेम के बारे में बताया गया है। ये था दोहा नंबर दो। अब है बच्चों दोहा नंबर तीन। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिहै न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। देखो, इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जो पेड़ है वो अपना फल खुद नहीं खाते, जो नदी तालाब है वो अपना पानी खुद नहीं पीते, उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो भी अपने धन का प्रयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वो अपने धन से दूसरों का भला करते हैं। जैसे कि पेड़ पर फल लगते हैं तो उस फल को और कोई खाता है, जैसे कि नदी में जो पानी है वो भी कोई और पीता है, तो उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने धन का प्रयोग केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी करते हैं। ये था दोहा नंबर तीन। अब चलेंगे बच्चों दोहा नंबर चार पर। थोथे बादर कवार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछीली बात। यानी इस दोहे में रहीम दास जी ने कहते हैं, इस दोहे में रहीम दास जी ने बताया है कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच, जो बारिश का मौसम और जो सर्दी के बीच का मौसम होता है, उस समय बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार कंगाल होने के बाद जो अमीर व्यक्ति है वो अपने अमीरी होने की बातें करता रहता है, पिछली बातों को कहता रहता है, जिनका कोई मोल नहीं होता, जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। ये था हमारा दोहा नंबर चार। अब चलेंगे बच्चों दोहा नंबर पाँच पर। धरती कैसी रीत है सीत धाम ओमे, जैसे परिसो सही रहे त्यो रहीम है देहे। इस दोहे में कवि रहीम ने मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि मनुष्य के जो शरीर की सहनशीलता है वो बिल्कुल धरती के समान ही है, जैसे धरती हर तरह के मौसम को, हर तरह की दुख तकलीफ़ों को सहन करती है, ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी हर तरह के सुख दुख को सहन कर सकता है। ये था हमारा दोहा नंबर पाँच। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये दोहे यानी कि हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो इसके प्रश्न उत्तर है, अनुमान के प्रश्न है, जो भाषा की बात के जो भी सारे प्रश्न उत्तर हैं, वो हम सभी अगली वीडियो में करने वाले हैं। एक बार हम इनसे पांचों दोहों को फिर से एक बार रिवाइज़ करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। पहले दोहे में तो हमें सच्चे मित्र के बारे में बताया है, दूसरे दोहों में हमें सच्चे प्रेम के बारे में बताया है, तीसरे दोहों में हमें परोपकार के बारे में बताया है, चौथे दोहे में हमें निर्धन होने के बाद भी जो धन की बड़ी बड़ी बातें करता है उनके बारे में बताया है, और पांचवें दोहों में हमें सहनशीलता के बारे में समझाया कि जैसे धरती में इतनी ज़्यादा सहनशीलता होती है तो इतनी ही सहनशीलता मनुष्य में होनी चाहिए ताकि वो हर सुख दुख का सामना कर सके। ठीक है बच्चों, अब हमारा ये पाठ समाप्त हो गया। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को ये पाठ, ये दोहे अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आती है, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है ताकि हम उसे
अगली वीडियो में कर सकें और बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।